अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ चने की उबली हुई दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो हम शुरू करते हैं। देखिए, एक घंटा पहले मैं भिगा के रख ली चने की दाल को। अब मैं कुकर ली, उसमें दाल डालूँगी। एक कप ली मैं चने की दाल, उसको भिगा कर रखी एक घंटे के लिए। देखिए कुकर में डालूँगी मैं। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। देखिए ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिर्फ एक ग्लास पानी डालूँगी इसमें मैं, और फुल फ्लेम पे रख डालूँगी। सिर्फ दो सीटी लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक घंटा भिगी हुई है दाल ये। देखिए माशाल्लाह गल गई। देखिए ऐसा देख लेना चाहिए, देखिए नरम हो गई। अब मैं निकाल लूँगी कटोरे में, सिर्फ दो ही सीटी देखना चाहिए, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है कुकर में डालने से, जल्द से जल्द बन जाती है। रोज़े में बहुत अच्छी लगती है दाल और दही बड़े, उसके बगैर तो रोज़ा खुलता ही नहीं है मेरे शौहर का। देखिए ठंडी हो गई, अब मैं इसमें डालूँगी, एक प्लेट में डाल ली। काली मिर्च डालूँगी एक चम्मच, देखिए एक चम्मच काली मिर्च डालूँगी पीसी हुई, आज तीसरा रोज़ा है आज। देखिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं। देखिए एक चम्मच नमक भी डाली मैं, अच्छे से इसे मिला लूँगी चमचे से, बहुत ही अच्छी लगती है ये। देखिए चमचे सही नहीं मिल रहा तो मैं हाथ से मिलाया। अब इसमें कोथमीर पुदीना डालूँगी। देखिए बन गए कितने अच्छे से, बहुत आसानी से बन जाती है, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये दाल। और भिगने डालना ज़रूरी है, तो एक घंटा या आधा घंटा ही डालना चाहिए। ज़्यादा देर डालेंगे तो आप कुकर में या कहीं भी डालेंगे तो जल्दी गल जाएंगी ये। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे मैं। अल्लाह हाफिज़।